70 रुपए में जो 30 पीस देते हैं पूरा इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा। पूरा दुनिया घूम लीजिए, 70 रुपए में 3 पीस चिकन नहीं मिलेगा। मेरी घरवाली वाला ऐसा खाना बनाने कहती मेरे पास का नहीं, एक प्लेट और खा के जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं तो स्वाद के चक्कर में आ रहा हूँ। तो क्या खिलाने वाले हो आज हमें? तावा चिकन भैया। तो चाचा कौन है और भतीजा कौन है? जो चाचा वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है। भैया तेल कौन सा है? धारा और फॉर्चून दोनों ही। तो मतलब ब्रांडेड चीजें डालते हो भैया? हर चीज ब्रांडेड रहता है। ये क्या क्या भैया? तेज पत्ता है, सूखा मिर्चा है और साबुत गर्म मसाला। साबुत गर्म मसाला। इतना सारा प्याज डालोगे भैया? हाँ जी भाई। कितना किलो होगा ये प्याज? 6 केजी। ऐसा ऐसा 6 राउंड बनेगा भैया। डेली कितना चिकन डालते हो यहाँ पे? 40-50 केजी गार्लिक पेस्ट है भैया। ये भी ब्रांडेड है? ये भी कंपनी का है? ये कौन सी कंपनी का डाल रहे हो आप? मिलोंस का। लोग कहते हैं रोड साइड वाला चिकन है ना, मरा हुआ चिकन है, कौआ है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ऐसा मैम थोड़ा देर पहले आते ना तो आपको जहाँ से चिकन लाते वहाँ चल के दिखा देंगे ताजा कटता है कि बासी आता है। जिसके पास काम है वो तो बोलते रहेगा ना, जिसके पास काम है कहाँ सुनता है कोई। मरा हुआ चिकन अपना भी तो बोलते, इंसानियत बोलते कोई चीज है, कितना पाप धोएगा। भैया आप 70 रुपए में चिकन के 3 पीस दे रहे हो यार, तो इतने में आपका हो जाता है क्या? 70 रुपए में तो राजमा चावल लंगर नहीं मिलता है यार। जिसके पास पैसा रहेगा वही खाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं खाएगा। क्योंकि हम जहाँ भी दुकान है सब स्टूडेंट एरिया, सबको बजट लेके चलते हैं। लोग तो जलते होंगे, तो कॉम्पिटिटर होंगे। अरे जलने दो ना भाई, हमको तो मेहनत करना है। अभी तो मेरे पास फाइनेंसर भी रेडी था पूरा दिल्ली में दुकान खोलने के। लोग फ्रेंचाइजी मांगते भाई आपसे? नॉन स्टॉप कॉल आता है। भैया चाचा भतीजा ब्रांड खोलने का इरादा है क्या आपका? ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कच्चा चिकन दिखाते हैं प्लेट में आपका। 70 रुपए में 3 पीस का एक क्वालिटी। 70 के 3 पीस है? लेग पीस भी दे रहे हो भैया? लेग पीस दे रहे हैं। लेग पीस तो कोई नहीं देता यार 70 रुपए में। भाई अरे भैया इतनी सारी क्वांटिटी डाल रहे हो क्या चिकन की? ये कितना चिकन होगा? 7 केजी। 6 किलो प्याज में 7 किलो चिकन? प्लेट पे 5 रुपए बजट में लिए बहुत है, 5 रुपए प्लेट भी कम नहीं होता आज के डेट। तो स्टूडेंट लोगों को तो भैया मजे आ जाते होंगे आपका चिकन खा के। भैया कितना टाइम लगेगा इसको बनने? बस 20 मिनट के अंदर। इतनी जल्दी तो भैया घर पे भी नहीं बनता। घर में टाइम देख लो आप भाई। यहाँ पे आपने अभी बनाना शुरू करा है तो लोग आधे घंटे से खड़े हो रहे हैं। फ्री में दे रहे हो क्या? नहीं नहीं फ्री में नहीं दे रहे, पैसा से दे रहे। भैया ये क्या डाल रहे हो? हल्दी डाल रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतनी सारी हल्दी डल चुकी है। तो भैया यहाँ पर सारे के सारे होममेड मसाले हैं? हाँ जी हाँ जी। मतलब बाजार से नहीं खरीदते हो भैया? अभी हो चुका है क्या? हाँ चिकन अब हो गया, मसाला डाल। ये कौन सा मसाला है? गोल मरीच है, काली मिर्ची, देखिए अभी घर का है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काली मिर्च कितने अच्छे से डाल रहे हैं भैया। ये क्या डाल रहे हो भैया? लाल मिर्च। अंदाजे से डालते हो सारा? ये क्या? धनिया पाउडर। क्वांटिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते मसाला में, गरम मसाला। भैया लोगों का पेट तो नहीं खराब होगा? नहीं नहीं भाई, जो भी सब नेचुरल आर्टिफिशियल रहेगा तब ना पेट खराब होगा भाई। ये चिकन मसाला एवरेस्ट कंपनी का। कितने पैकेट डाले भैया अभी आपने इसमें? 3 पैकेट भाई। 3 पैकेट। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? ग्रेजुएशन किया, लास्ट में MBA किया सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छे से मसालों को यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है चिकन के साथ। बच्चे जो है यहाँ के जी जी। वो पीजी लेकर रहते हैं तो उनको घर वाला खाना नहीं मिल पाता। घर वाला सिर्फ हम ही खिलाते हैं, चाचा भतीजा। घर वाला खाना दे रहे हो? पूरा पूरा। वे चिकन के साथ क्या देते हो आप? रोटी चावल सब रहता है। रोटी चावल सब रहता है, लास्ट रह गया हमारा स्पेशल मसाला। यहाँ पे सीक्रेट मसाला डालेगा भैया आपका? भैया क्या क्या डालते हो इसके अंदर ये तो बता दो। इसको सीक्रेट है रहना भी अच्छा है। अरे नहीं खोलूंगा भैया दुकान आपकी। हाँ बोला भैया खोलने के लिए। ये देखिए बच्चा 2 घंटा से वेट कर रहा है। ये 2 घंटे से वेट कर रहा है? कितनी देर से वेट कर रहा है भाई? 1-2 घंटे से वेट। 1-2 घंटे से वेट कर रहा है? डेली आते हो? हाँ। कैसा लगता है यहाँ का चिकन? बहुत बढ़िया। प्राइसिंग कैसी लगती है यहाँ? बिल्कुल मजेदार। डेली खाते हो आप? डेली खाता हूँ। कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। कहीं मुकेश घर में कोई बनाने वाला नहीं है। अच्छा। इनके सिवा मैं रोज खाता हूँ, रोज का गाग हूँ। पैसे कम है इस वजह से खाते हो? स्वाद की वजह से? स्वाद की वजह, स्वाद की वजह से। और अगर आगे जाकर चाचा भतीजा मान लो महंगा हो गया तब भी खाओगे? तभी पैसा होगा तो खाएंगे खाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। और कहीं जाते माल घटिया, इनका माल अच्छा है। माल अच्छा है? मछली है, ये मछली है वो भी रोहू मछली। 250 रुपए किलो देता है जिंदा, 250-300 रेट। आप कितने में देते हो? 100 रुपए। 100 रुपए में 2 पीस। मटन जितना सस्ता तो कोई नहीं देता। 150 में 2 पीस। 150 में 2 पीस दे रहे हो मटन के? अरे वाह। चले फाइनल रेडी हो गया भैया। बिल्कुल बनके रेडी हो गया है भैया। 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार कर दिया यार, मतलब बात के बिल्कुल पक्के हो आप। भैया कौन कौन से पीस डालोगे बताते रहना। लेग है? लेग है 2 पीस। 2 पीस ये। और ये आ गई हमारी ऊपर से ग्रेवी। मुझे बताइए मुखर्जी नगर जैसी जगह में 70 रुपए में पेट भर चिकन मिलता है? यही मिलता है। कहीं और मिलता है? नहीं कहीं और नहीं मिलता, यही मिलता है। मुझे बताओ इतनी सारी चिकन की जगह है आप छोड़ के सबको यहाँ पे क्यों आ रहे हो? टेस्ट तो मेन पर्पस है, टेस्ट और क्वांटिटी भी। हाँ। और क्वालिटी सारा कुछ बेटर है। आपको लगता है इस रेट पे कोई और दे पाएगा? नहीं आप देख सकते हो अगल बगल कहीं नहीं है ऐसा। ये हमारी प्लेट लगने जा रही है यहाँ पर, और भैया ने देखो कितनी सारी क्वांटिटी दी है यार 70 रुपए में, और 3 पीसेस डाले। और 70 रुपए में जो 30 पीस देते हैं पूरा इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा। पूरा दुनिया घूम लीजिए, 70 रुपए में 3 पीस चिकन नहीं मिलेगा। लीजिए आपका तैयार हो गया स्पेशल चाचा भतीजा तवा चिकन, ट्राई करके बताइए कैसा लगा टेस्ट। अगर ये चाचा भतीजा का स्पेशल तवा चिकन अगर किसी को खाना हो तो कहाँ पर आना पड़ेगा ये बता दो। मुखर्जी नगर बात्रा सिनेमा पार्किंग में नियर बी सफल डेयरी के पास। सफल डेयरी के बाद कितने दिन खुलती है हफ्ते में आपके साथ? मंगलवार छोड़कर सब दिन खुला रहता है। और आपकी टाइमिंग क्या होती होगी भैया? 12 बजे से रात 11 बजे तक।